नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुकम जी। यहाँ पे से 25 जनवरी बुधवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें आज हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। बात कर लेते हैं तमाम राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में बंद किए गए 7 लाख मोबाइल कनेक्शन। 60,000 से ज्यादा कनेक्शन के जरिए अलवर और भरतपुर से हो रही थी ऑनलाइन ठगी। राजस्थान में 7 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इनमें से 6.28 लाख कनेक्शन काफी समय से यूज में ही नहीं लिए जा रहे थे। वहीं 60,000 से ज्यादा कनेक्शन केवल अलवर और राजस्थान की भरतपुर बेल्ट में मेवात एरिया के बताए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से जुड़े थे। इन पर कंट्रोल के लिए पुलिस और दूरसंचार विभाग की टीम लगातार कार्रवाइयां भी कर रही थी, जिसके बावजूद मामले कम नहीं हो रहे थे। आखिर सभी बंद नंबर हैं वो कर दिए गए हैं। ये सभी नंबर फर्जी आईडी के जरिए उठाए गए थे। ये कारण है रहा मोबाइल कनेक्शन बंद करने का। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया है कि जो नंबर लंबे समय से उपयोग में नहीं थे, ऐसे करीब 6.28 लाख कनेक्शन थे जिन्हें बंद किया गया है। इसके अलावा मेवात क्षेत्र में बिना वेरिफिकेशन करवाए करीब 60,000 कनेक्शन चल रहे थे जिन्हें बंद किया गया है। वहीं एक ही फोटो से कई फर्जी कनेक्शन लेने के मामले में 12,000 से ज्यादा कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नेपाल में आए भूकंप के झटके जिससे राजस्थान हिला। अलवर जयपुर में हल्के झटके महसूस हुए, ऑफिस के बाहर निकले लोग। भूकंप के झटके महसूस होते ही राजधानी जयपुर में उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग सहम गए। जयपुर की सी स्कीम्स सचिवालय परिसर के आसपास लोग घरों से बाहर आ गए। सचिवालय के आसपास बने तमाम सरकारी और निजी ऑफिस की बिल्डिंग से लोग झटका महसूस करते ही बाहर की ओर भागे। किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्टैंडर्ड सोने के तोड़े सारे रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंची 58,900 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सलाई उठापटक का असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा है। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 58,900 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। उसके बाद बुधवार को भी यही हाल देखने को मिले। सरापा व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी की वजह से सोने की कीमतों में लगातार तेजी हो रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रीट पेपर लीक में एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 103 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है एसओजी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भरतपुर के एक युवक को 2021 रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र कुमार नंगला बंद थाना सेवर जिला भरतपुर का रहने वाला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को पहुंचेंगे मालासेरी धाम भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र स्थित मालासेरी डोंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देव नारायण की प्रकट स्थली पर 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उनकी सभा में करीब 2 लाख लोगों को जुटाने के लक्ष्य में भाजपा जुटी हुई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तेल के दाम हुए जारी। तेल कंपनियों ने आज और पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। राजस्थान में आज भी तेल के दामों को लेकर कोई खास तो बदलाव नहीं देखने को मिला है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को तेल के दाम जारी कर दिए थे। आज भी तेल की कीमतों में बदलाव नहीं देखने को मिला। कीमतों के लिहाज से लोगों को पेट्रोल और डीजल में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। राजस्थान में बुधवार में आपको बता दें कि आज भी तेल के दाम हैं वो स्थिर रहे हैं। बीते 22 मई के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज 0.67% की बढ़त दर्ज की गई है, जिसके बाद ये $88.19 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में मौसम परिवर्तन की संभावना जताई गई थी। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिली है। सर्दी के बीच अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। सोमवार देर शाम को राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश होने की संभावना जताई है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लोकल को नौकरी में मिलेगा रिजर्वेशन। गहलोत सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर सरकार और विपक्ष अभी से पूरा जोर लगा रही है। इसी बीच राजस्थान की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में इसका जवाब दिया है।
राजस्थान सरकार ने कहा है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कला ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में राज्य की भर्तियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण संबंधी सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जनवरी 27 को आएंगी अजमेर, सोनिया गांधी की सादर पेश करेंगी। राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी की ओर से 27 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह में सादर पेश करेंगे। सीएम अशोक गहलोत 3 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से अजमेर पहुंचेंगे। सिविल लाइन्स स्थित हेलीपैड बनाया गया है। सीएम यहां से सड़क मार्ग से ख्वाजा साहब की दरगाह जाएंगे। सोनिया गांधी की तरफ से भेजी गई सादर को आस्थान शरीफ पर पेश करेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 दिन पहले ही सिताया था आरयू अध्यक्ष को जूते मारूंगा। महारानी कॉलेज की संयुक्त सचिव बोली, महासचिव ने कहा था निर्मल स्टेज पर सड़ा तो जूते मारूंगा। जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्र संघ ऑफिस उद्घाटन कार्यक्रम में हुई मारपीट को लेकर सभी पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं कॉलेज की छात्र संघ संयुक्त सचिव सेनाम बानो ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि अरविंद जाजड़ा ने 3 दिन पहले निर्मल को जूते मारने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर निर्मल स्टेज पर चढ़ गया तो मैं उसके जूते मारूंगा। अरविंद का कहना है कि निर्मल और उसके समर्थक केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाकर साई फेंकना चाहते थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, इसके बाद विवाद बढ़ गया और हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर निर्मल चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं काली सियाही झंडे लेकर गया था तो क्या उन्हें मंत्री जी ने कहा था कि तू जाकर इसे ठोक? अगर मैं गुंडा बदमाश हूं तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करें? वहां भी एक सार्वजनिक मंच पर क्या उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है? इसी के साथ ही आरयू अध्यक्ष वही विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।